स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे थे, प्रश्नावली 15 प्रायिकता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और अब तक हम प्रश्न नंबर 2 कर चुके थे। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हम प्रायिकता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। प्रायिकता का एक छोटा सा तरीका होता है घटना के घटित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर हम देखते हैं करे कि यदि 3 सिक्के लिए जाए और इनको एक साथ उछाला जाए, ऐसे 200 बार हमने ये परिणाम किया, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये 3 चीज हैं, इन तीनों को उछाले, तो कहने का मतलब हुआ जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो तीनों में चित्त आ सकती है, तीनों में पट आ सकती है, एक में चित्त दो में पट, या दो में चित्त एक में पट, कोई सी भी स्थिति आ सकती है। तो उस स्थिति का लिया गया, जब तीनों को चित आई 23 बार लिखी गई, जब 2 बार चित आई 72, 1 बार चित आई 77, कोई भी चित नहीं आई, यानी पट ही आया, तीनों पट आए एक तरीके से, तब ऐसी स्थिति में 28 बार परिणाम आए गए। तो हमें इसकी एक बारंबारता सारणी बना ली गई। इसमें कहा गया है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। दो चित आने की प्रायिकता बराबर क्या आएगा कि 2 चित कितनी बार आया, क्या परिणाम आया, कि 2 चित आने की संख्या बटे कुल परिणाम। दो चित आने की संख्या कह सकते हैं, 2 चित आने के परिणाम कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। लीजिए अब 2 चित के कितने परिणाम थे, देखिए 72, कुल कितने 200, 72 बटे 200 काट दीजिए, सिंपल सा 2 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से काटते हैं, 18 चौक 72, 4 से 50, फिर 2 से काट दीजिएगा 9/25, यानी कि 8 से काट दिया, 8 × 9 = 72, 25 × 200 कितनी प्रायिकता आई 9/25, यानी 2 चित आने की प्रायिकता 9/25। अगला सवाल, प्रश्न नंबर यह था हमारा कौन सा, प्रश्न नंबर 4। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जिसके अंतर्गत कहा गया है कि ये किसी व्यक्ति की मासिक आय है, 7000 से कम वाले परिवार हैं जो 7000 से 10000 रुपए कमाते हैं, 10000 से 13000, 13000 से 16000, 16000 या इससे अधिक वाहन पैसे, यानी कि मासिक आय रुपए में है, प्रति परिवार वाहनों की संख्या, ये ऐसे परिवार है जिसके अंदर एक भी वाहन नहीं है, ये ऐसे जिसके पास एक वाहन है, ये ऐसे जिसके पास 2 वाहन हैं, ये ऐसे जिसके पास 2 से अधिक वाहन है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जिसकी मासिक आय 10000 से 13000 रुपए हो और जिसके 2 वाहन हो, ऐसी स्थिति के अंदर हमें ज्ञात करने के लिए पहला इसका हल, 10000 से 13000 रुपए मासिक आय वाले, मासिक आय वाले परिवार G
जिनके पास दो वाहन हो, कितने वाहन हो? दो। वाहन हो कुल परिवार, कितने हुए ऐसे? देखिए कितने हैं, 29। और टोटल परिवार कितने थे जिन पर सर्वे किया गया? 2400। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रायिकता बराबर क्या होगा? देखिए दो वाहन वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवार, अब दो वाहन वाले कितने हैं? दो वाहन वाले 29, कुल परिवार कितने थे? 2400। यही हमारे आंसर, क्योंकि आगे कुछ कट ही नहीं रहा, आगे अगर कटेगा तो काट देंगे। 16000 या उससे अधिक एक वाहन, 16000 या इससे अधिक एक वाहन कितना हो गए? 579। 579। देखिए सेकंड सवाल, 16000 या इससे अधिक मासिक आय वाले परिवार जिनके पास कितने वाहन? एक वाहन। बराबर देखिए 16000 या इससे अधिक ये 01 वाहन, कितने परिवार हुए? 579। प्रायिकता बराबर एक वाहन वाले परिवार बटे कुल परिवार। अब एक वाहन वाला 579, कुल कितना? 2400। यही हमारा इसका आंसर आ गया। जो नहीं करता है उसको यही छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर आ गया। अब देख लिया, ये हमारे दो सवाल हो गए। अब इसका थर्ड सवाल लेंगे, 7000 से कम कोई वाहन नहीं है, 7000 से कम जिसके पास कोई वाहन कितना था? 10। तो देखिए ₹7000 मासिक आय वाले परिवार जिसके पास क्या कोई वाहन नहीं हो, कोई वाहन न हो, तो कुल परिवार ऐसे देखते कितने हो गए? 10। प्रायिकता कोई वाहन न हो वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवार।
दस बटे चौबीस सौ, लेकिन ये कट रहा है जीरो से जीरो, एक बटे दो सौ चालीस। थर्ड हो गया, फोर्थ ले लीजिएगा इसका। फोर्थ में क्या कहते हैं, तेरह हजार से सोलह हजार, तेरह हजार से सोलह हजार, तेरह हजार से सोलह हजार मासिक आय वाले परिवार जिसके पास दो से अधिक वाहन, देखिए जिसके पास दो से अधिक, तो गौर से देखिए, तेरह हजार से सोलह हजार, दो से अधिक कितने, पच्चीस। अब आगे देखिए, दो से अधिक वाहन वाले परिवार लिए, अब देखिए कितना है बताइए, दो से अधिक पच्चीस है ना, पच्चीस बटे वही चौबीस सौ, काट दीजिए ये पच्चीस से पूरा पूरा कटेगा, देखिए पच्चीस नाम दो सौ पच्चीस, पंद्रह बच गए, पच्चीस छका एक सौ पचास, एक बटे छियानवे आंसर आ गए। तो गौर से देखा कितने सवाल हो गए, चार तक हो गए। अब कौन सा लेंगे, पांचवा, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक, तो पहले तो उन परिवारों की संख्या निकालेंगे जिसके पास एक से अधिक ऐसे परिवार जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं हो, इनको जोड़ दीजिएगा, दस जीरो एक दो एक, एक सौ साठ, तीन सौ पाँच, पाँच सौ पैंतीस, चार सौ उनहत्तर और पाँच सौ उन्यासी। अब इनको जोड़ दीजिए, जब आप इनको सबको जोड़ोगे कितना जाएगा, इक्कीस सौ बासठ। जोड़ दीजिए जाए, दस रे ग्यारह तो तेरह रे चौदह और एक सौ साठ, इन सबको जोड़ दीजिएगा, इक्कीस सौ बासठ आएंगे। प्रायिकता एक से अधिक वाहन नहीं, एक से अधिक वाहन नहीं वाले परिवार बटे कुल परिवार बराबर 2162 बटे 2400
दो से काट दीजिएगा, देखिए दो एकम दो जीरो, काटिए देखिए इन सबका जोड़ देखिए, दस एक ग्यारह दो तेरह एक चौदह साठ एक सौ चौहत्तर तीन सौ पाँच पाँच सौ पैंतीस चार सौ उनहत्तर पाँच सौ उन्यासी चार पाँच नौ पाँच चौदह जोड़ेंगे दो हज़ार कितने हो गए बासठ। अब दो हज़ार बासठ में देंगे एक हज़ार इकतीस बटे बारह सौ, यही हमारा इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 15 का प्रश्न नंबर 5 समाप्त होता है। शेष आपसे फिर अगले प्रश्न में नए वीडियो के साथ आपकी हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।